गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इज 19th ऑफ जून एंड संडे एंड आज मैं हूं यहां पे आपके साथ में वीकेंड एनालिसिस करने के लिए। शेयर बाजार में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है और हमको किस चीज का ध्यान रखना है नेक्स्ट वीक के लिए। तो पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट शॉर्ट टर्म मार्केट एक्सपेक्टेशन, दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू। एवरी वीकेंड मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब करिएगा एंड हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं 360 डिग्री पर्सपेक्टिव अबाउट द मार्केट, क्या चल रहा है मार्केट में और हमको मार्केट में कैसे तैयारी करनी चाहिए। सो स्ट्रेट अवे आई विल गेट इनटू माय चार्ट रिलेटेड टू डॉलर इंडेक्स एंड माय व्यू रिलेटेड टू मार्केट रिलेटेड टू डॉलर इंडेक्स। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट के अंदर में अल्टीमेटली लिक्विडिटी ड्राइव करती है मार्केट को एंड लिक्विडिटी का जो बेंचमार्क है वो है डॉलर इंडेक्स। तो नीचे में जो सेक्शन है वो डॉलर इंडेक्स का है। डॉलर इंडेक्स इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग डॉलर मूवमेंट ग्लोबली। इसके अंदर में जो मेजर करेंसीज हैं जो डॉलर के साथ में टैग्ड है वो इसके अंदर में है एज अ वेटेजेस। तो डॉलर इंडेक्स 105 के नीचे ट्रेड कर रहा है विच इज अ गुड न्यूज। हैविंग सेड दैट, ऐसा कोई साइन नहीं दिख रहा है डॉलर इंडेक्स के अंदर में कि ये 105 से 104 103 की तरफ जाएगा। तो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स लुक्स लाइक स्टेबलाइज करेगा और ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डॉलर इंडेक्स का अभी भी ऊपर की तरफ है। दिस वीक इज वेरी क्रिटिकल बिकॉज अगर वो 105 के ऊपर में कन्विंसिंगली रह गया देन अगेन आई थिंक मार्केट विल कंटिन्यू इट्स डाउनटर्न। डॉलर इंडेक्स क्यों ऊपर जा रहा है, बिकॉज यूएस के अंदर में ब्याज दर ऊपर जा रहे हैं। दिस इज यूएस यील्ड कर्व, दिस इज अ वीकली चार्ट एंड दिस इज द डेली चार्ट। सो वीकली चार्ट के अंदर में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है। अगर इस पैटर्न के बाद में सपोज इस वीक एक कंटिन्यूएशन आए नीचे की तरफ जिसकी संभावना कम है बिकॉज इन्फ्लेशन इज अप देयर, ऑल्दो वहां के गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने मेटल्स वगैरह पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन को ओवरऑल कंट्रोल करने की कोशिश की है, वैसे यूएस गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि थोड़ा एग्रेसिव इन्फ्लेशन कंट्रोल मेजर्स डाले। तो अगर वैसा हुआ तो यील्ड कम नीचे जाएगी, डॉलर नीचे जाएगी, तभी एक रिलीफ रैली चारों तरफ हर मार्केट में आएगी। अगर मैं यूएस का लॉन्गर टेन्योर यील्ड कर्व की बात करूं, 30 साल का यील्ड कर्व तो वो मोटा मोटी उसी लेवल पे है और 2 साल का यील्ड कर्व तो आप देखो एक स्ट्रक्चरली तीनों टेन्योर ऑफ यील्ड कर्व, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, 2 साल 30 साल और 10 साल। 2 साल का मतलब यूएस गवर्नमेंट 2 साल के लिए जो रेट फिक्स करती है, 10 साल मतलब 10 साल और 30 साल मतलब 30 साल। तो ये यील्ड कर्व है बेसिकली जो मार्केट परसीव करता है कि ये ब्याज दर यूएस में भी चल रहा है। एक कंसर्न एरिया है वो है बिटकॉइन। Although मैं बिटकॉइन के अंदर मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, आई हैव नेवर टॉक्ड अबाउट बिटकॉइन, बट क्या होता है अगर पैसे सिस्टम में है और वो रिस्की एसेट्स में जा रहे हैं और रिस्की एसेट्स में कोई एक एसेट है जो गिरता है बहुत ज्यादा तो उसका इम्पैक्ट बाकी एसेट्स में आते हैं। तो मेरे लिए ये एक चिंता का विषय है कि बिटकॉइन हैज क्रैश्ड बिग टाइम और अगर यहाँ से और वो वीक गया कि तो जो जो लोगों ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रखा है और जिनको लॉस हो रहा है वो शायद बाकी सारे एसेट्स में भी सेलिंग करें जिसके अंदर में उनके लॉसेस अभी नहीं है। तो बिटकॉइन को लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बहुत जरूरी है। सो ऑन इन ऑल मार्केट के अंदर में अभी भी एक नर्वसनेस है, डॉलर इंडेक्स स्टिल नॉट स्टेबल नॉट गोइंग डाउन। तो मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट के अंदर में अभी भी एग्रेसिव बाइंग पोजिशंस नहीं बनाऊं। ऑल्सो मार्केट क्योंकि अपने पिछले साल के क्लोज 15,635 के करीब इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो वो मेरे लिए एक बहुत क्रिटिकल लेवल है। सो दिस इज द लेवल 15,680 के 60-50-80 के करीब, इसके नीचे जब तक मार्केट है तब तक मैं मार्केट में तेजी नहीं खेलना चाहूंगा। हाँ, इसके ऊपर जब क्लोज हो जाएगा मार्केट एक बार तब हो सकता है कि मैं अपना व्यू चेंज करूँ। तो राइट नाउ आई एम trying to be very cautious in the market, not being aggressive in the market. Emerging market index ke bare baat karte hain, to it is a continuously on downturn. So dollar strong aur emerging market niche ja rahe hain, ye obviously ek negativity hai. Lekin Nifty jo hai emerging market index ke mukable out performance kiya hai. To agar market ke andar mein recovery aati hai to obviously Indian market is well poised for the recovery. But there is lot of agar and magar into this exercise. तो मैं अभी आज के रेट में आई विल नॉट बी ऑडेशियस इनफ टू बाय मार्केट एट दिस मोमेंट। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, मुझे काफी होप है इस इंस्ट्रूमेंट से कि गोल्ड शुड आउट परफॉर्म बिकॉज जब जब दुनिया में अनसर्टेनिटी आती है गोल्ड आउट परफॉर्म करता है। तो समहाउ आई हैव अ फीलिंग कि यहां से गोल्ड आउट परफॉर्मेंस रखेगा। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं तो मैं गोल्ड ETF के अंदर में
सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट चालू कर दूंगा। सो स्टॉकेज में जाके आप म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाके गोल्ड ETF में कौन सा स्कीम है उसको आप समझ सकते हैं। बाकी कमोडिटीज मोर ऑर लेस स्टेबल है एक्सेप्ट क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी, ये गिर गया लास्ट वीक, तो ये बहुत बड़ी न्यूज है और बहुत अच्छी न्यूज है कि क्रूड ऑयल फाइनली करेक्ट किया है। एंड दैट हैज हैपेंड बिकॉज रशिया हैज शोन द इंटेंट कि वो यूक्रेन वाला इशू को सॉल्व करना चाहता है। अगर वो सॉल्व हो गया तो मुझे लगता है प्रॉब्लम सारा सॉल्व हो गया। तो क्रूड ऑयल अगर गिरेगा, इन्फ्लेशन का कंसर्न गिरेगा, इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे, डॉलर गिरेगा, तो ग्लोबल मार्केट्स में वापस से रिकवरी आएगी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दिस वीक इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये वीक देखने लायक है क्या होगा। अगर एक पैटर्न दिखा डॉलर का फॉल का, 105 के नीचे कॉन्स्टेंटली वो नीचे रहा एंड एट द सेम टाइम यील्ड कर्व भी नीचे चला गया, विच लुक्स लाइक राइट नाउ मार्केट्स विल रिकवर। बट मार्केट रिकवरी मैं तभी खेलूंगा जब ये जो लेवल है मार्केट का 15,650 इसके ऊपर मार्केट कन्विंसिंगली चले। अच्छा मैं आपको एक टेम्पलेट देता हूँ, इस टेम्पलेट से आपको आइडिया लगेगा कि मार्केट का रिकवरी आपको पहले कैसे पता लगे। तो ये टेम्पलेट है जिसमें चार चार्ट है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स, ठीक है। इसमें मैंने सुपर ट्रेंड डाल रखा है, RSI डाल रखा है, इसमें मूविंग एवरेजेस 21 और 55 डाल रखा है सबके अंदर में। इससे मुझे पता लग रहा है कि अभी चारों इंडाइसेस के अंदर में डाउन ट्रेंड है, ठीक है। जब ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा, विच लुक्स लाइक दीज लेवल्स 15,450 ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी का तकरीबन अब मान लो 32,850, मिड कैप इंडेक्स का तकरीबन 26,220 और स्मॉल कैप इंडेक्स का तकरीबन 8,375, ये लेवल्स के ऊपर में जब ये इंडेक्सेस चलने लग गए और चारों के अंदर में बाइंग प्रोपेंसिटी हो और RSI 50 के ऊपर हो चारों में, तब मुझे लगता है मार्केट में एक जबरदस्त रिकवरी आएगी एंड यू कैन पार्टिसिपेट। सो इधर यू कैन वेट फॉर दिस 15,652 ब्रेक, या आप छोटा छोटा पोजिशन स्मॉल पोजिशन इसके ऊपर में बिल्ड करना चालू कर सकते हैं। कन्विंसिंग बड़ा पोजिशन जो है वो मैं बिल्ड करूंगा 15,875 के ऊपर, विच वॉज दीज लेवल्स। इसके ऊपर अगर मार्केट चला गया तो आई विल बी मोर देन कन्विंस्ड टू गो एग्रेसिव इन द मार्केट, राइट। अब क्विकली स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि किन स्टॉक्स के अंदर में हमको काम करना चाहिए। तो अगेन जब मैं स्टॉक्स की बात करता हूं तो स्टॉकेज को यूज करता हूं, तो स्टॉकेज के अंदर में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस मैंने बना रखे हैं जो आपके लिए बहुत रिसोर्सफुल हो सकते हैं। आई विल शो यू वन ऑफ द कॉम्बिनेशंस व्हिच आई हैव क्रिएटेड। एक कॉम्बिनेशन है सेपा। सेपा कॉम्बिनेशन इज बेसिकली वो स्टॉक्स जिनके अंदर में लास्ट 3 साल से कैपेक्स हो रहा है, जो क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जो प्राइस एक्शन जिनमें पॉजिटिव है। तो ये सारी स्टॉक्स है जो सेपा स्टॉक्स है, अगर मार्केट में रिकवरी आए तो इनमें रिकवरी आने की चांसेस काफी है। दूसरा, हमारे स्टॉकेज में हमने रेडीमेड स्ट्रैटेजीज बनाई है जिसमें स्विंग बुलिश स्ट्रैटेजी एक स्ट्रैटेजी है, वहां पर ईगल स्ट्रैटेजी बना रखा है। ईगल में ये सारे स्टॉक्स है जो ईगल है, मतलब जो ऊपर है और अगर मार्केट रिकवर आया तो ये और ऊपर जा सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी में से जो स्टॉक्स है इनको आप देख सकते हैं फॉर योर मोमेंटम ट्रेडिंग। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आइडियाज है स्टॉकेज में, जिसमें स्टॉक आइडियाज आते जा रहे हैं रेटिंग के साथ में, तो आप इनको यूज कर सकते हैं फॉर योर वैल्यू इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग। सो देयर इज इनफ आउटपुट इन स्टॉकेज व्हिच यू कैन यूज फॉर योर डिसीजन मेकिंग। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, ये मार्केट डेप्थ मीटर है, ब्रेट मीटर है, जो मुझे ये बताता है कि क्या चल रहा है, घनघोर मंदी हो रही है या लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए। तो आप देखो ये एक्सट्रीम रेड का मतलब हो गया मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो गई है, तो यहां से मार्केट का अभी रिकवर करना काइंड ऑफ एक औपचारिकता होना चाहिए। तो डॉलर अगर नीचे जाएगा, क्रूड नीचे जा चुका है थोड़ा सा, और अगर यील्ड कर्व नीचे जाएगी और निफ्टी के अंदर में ये सारा कॉम्पोनेंट मिला के बुलिशनेस साइन देगा, तो आप आग बंद करके निफ्टी में एग्रेसिव बाइंग पोजीशन बिल्ड कर लीजिए। एटलीस्ट छोटा मूवमेंट तो आपको मार्केट के अंदर में मिल जाएगा, सो यू कैन यूज इट फॉर योर एडवांटेज। ऑलराइट दोस्तों, आई होप इट वाज यूजफुल। और अगर आप मेरे साथ रियल टाइम कनेक्ट रखना चाहते हैं, रियल टाइम मुझसे गाइडेंस चाहिए, मेरी टीम से गाइडेंस चाहिए, तो stockageclub.com वहां जाइए, और स्टॉकेज क्लब जिसमें 8,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं वो क्लब ज्वाइन कीजिए। और ये 360 डिग्री लर्निंग अर्निंग का जो बेनिफिट जो मैं आपके लिए क्रिएट कर रखा हूँ, इसका फायदा उठाइए, आइए बिकम पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट कम्युनिटी इन इंडिया। यू आर गोइंग टू फाइंड ह्यूज ह्यूज वैल्यू इन दिस कम्युनिटी। सो ज्वाइन स्टॉकेज क्लब,
गेट एन ऑफर स्टॉकेज क्लब के, जब आप सब्सक्राइब करेंगे आपको ऑफर दिख जाएगा, गेट एन ऑफर, ज्वाइन, रिड्यूस योर कॉस्ट एंड अर्न मनी एंड लर्न मार्केट फ्रॉम अस. थैंक यू सो मच, बाय बाय, प्लीज टेक केयर, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड.